अब किसी को ये स्पोर्ट इतना मजेदार लगता है कि वो लोग 2-3 बजे रात तक यही देखते रहते हैं, और कुछ लोगों को इतना बोरिंग कि जिनको ये गेम पसंद भी है उन्हें वो बेवकूफ बोलते हैं। अब ये स्पोर्ट्स है कौन सा? तो दोस्तों इसका नाम है फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्री। आपको पता है कि फॉर्मूला 1 रेसिंग का इंडिया में अब क्यों नहीं होते? पहले एक बार हो चुका है, लेकिन यार अब क्या प्रॉब्लम हुई जिससे वो लोग हमारे देश से भाग गए और ना ही अब कोई प्लान है वापस आने का? तो दोस्तों इसका रीजन है हमारी प्यारी इंडियन गवर्नमेंट। ये जानकर आपको बहुत हैरानी होगी कि F1 रेसिंग इवेंट इंडिया में 2011 में पहली बार हुआ था और लास्ट टाइम 2013 में हुआ था, लेकिन अचानक से हमारी सरकार कहती है कि यार ये जो फॉर्मूला 1 रेसिंग स्पोर्ट है ना, ये हमें स्पोर्ट से ज्यादा कोई एंटरटेनमेंट इवेंट लगता है। मतलब ये गेम कहां क्रिकेट फुटबॉल बैडमिंटन से मेल खाता है, इसे देख के तो लोगों को मजा आता है, सिंपल। तो ये स्पोर्ट्स नहीं बल्कि इसे हमें एंटरटेनमेंट कैटेगरी में डालना चाहिए, और इसलिए F1 रेसिंग वालों जब भी आप हमें टैक्स भरोगे ना, तो स्पोर्ट्स की कैटेगरी में नहीं बल्कि आपको एंटरटेनमेंट कैटेगरी पे टैक्स देना पड़ेगा। दोस्तों एंटरटेनमेंट इवेंट का टैक्स 30% है, वहीं स्पोर्ट्स का 18%। उन्होंने सिंपल बोला, कोई सेंस है इस बात की? और पिछले 10 सालों से उन्होंने हमारी कंट्री को बॉयकॉट कर रखा है।